केंद्र सरकार द्वारा आजादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने पुणे महाराष्ट्र से राजघाट नई दिल्ली तक की साइकिल रैली निकाली। ये साइकिल रैली गुरुवार को बेटमा पहुंची, जिसे शुक्रवार को नगरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली के पूर्व स्थानीय बियाणी गार्डन में एक सादे समारोह के अंतर्गत सभी जवानों का जिला पंचायत उपाध्यक्ष गोपाल सिंह चौधरी, दिनेश गर्ग, गुमान सिंह परिवार आदि ने पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया। स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले शहीदों की गाथा बताने के लिए निकाली साइकिल रैली 4 सितंबर को पुणे के यरवड़ा जेल से प्रारंभ हुई, जो 1703 किलोमीटर की यात्रा कर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन राजघाट दिल्ली पहुंचेगी। यहां यात्रा का प्रतिदिन 80 किलोमीटर साइकिल चलाने का लक्ष्य रखा गया है। रैली निकाल करके अपने स्वतंत्रता सेनानियों के जन्मस्थली या कर्मस्थली पर पहुंचकर उनको स्मरण करना है, उनको याद करना है, और उन्होंने जो त्याग बलिदान किया है अपने देश के लिए, उसको उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए आगे बढ़ना है। इसी कड़ी में हम लोग यह यात्रा 4 सितंबर 2021 से पुणे के यरवड़ा जेल से स्टार्ट हुई और यह यात्रा 2 अक्टूबर 2021 गांधी जयंती के पावन अवसर पर राजघाट नई दिल्ली में समाप्त होगी। हाँ, ये पूरी यात्रा लगभग 1703 किलोमीटर की है। अभी कितना लक्ष्य पूरा किया आपने? अभी हम लोगों ने 836 के आसपास पूरा किया है, 800 किलोमीटर के ऊपर लोग। हाँ, हमारे टीम में टोटल हम 26 लोग हैं, जिसमें मैं लीड कर रहा हूँ।